का एक ब्राह्मण ला करके जीवित भावना बोलता है और फिर आपको तय करना है। लोकतंत्र के महापर्व में लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आगाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूपी के सहारनपुर पहुंचकर माँ शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना से की। गन्ना मंत्री है उत्तर प्रदेश के सुरेश राणा भूमि है और अब जो योगी आदित्यनाथ है वो शामिल। महागठबंधन ने जो है वो देवबंद को चुना है तो वही इसी तरह बीजेपी जो है उसमें जो है सहारनपुर की शामिल नहीं देवी। योगी जी क्या आशीर्वाद दिया? योगी जी इस वक्त जो है जाते हुए और पूरी तरह से चेहरे पर एक खुशी एक स्माइल और मातृदा मां शाकुंभरी के दरबार मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर योगी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सहारनपुर के मां शाकंभरी के दर्शन के बाद चुनावी रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे चुनावी संग्राम में सियासी पारा चढ़ सकता है। ऐसा बयान मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी अजहर मसूद को सहारनपुर से जोड़ कर दिया। किसी नेता का नाम लिए बगैर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अजहर मसूद का एक दामाद सहारनपुर में आ गया है जो उसी की भाषा बोलता है। सीएम योगी ने कहा कि इस चुनाव में जनता को तय करना है कि अजहर मसूद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या पीएम मोदी जी के एक सिपहसालार के रूप में सहारनपुर के समग्र विकास और सुरक्षा के नायक के रूप में राघव लखन पाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी है अजहर मसूद, जैसे उसामा बेमौत मारा गया था वैसे ही अजहर मसूद भी मारा जाएगा। आपके सहारनपुर में आपको तय करना है कि अजहर मसूद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या मोदी जी के एक सिपा सलार के रूप में सहारनपुर के समग्र विकास को लेकर चलने वाला। मुझे आपको एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ अजहर मसूद का राजनीतिक सपोर्ट देश के संसाधनों को नोचने के लिए जो आना चाहता है उनको कतई छूट मत दीजिए, कतई छूट मत दीजिए। और तीसरा मैं आपके पास आना चाहता हूं सहारनपुर के, आज याद करना जैसे बालाकोट के अंदर आतंकी शिविरों को नष्ट करके एक ही बार में सभी आतंकियों को नष्ट करके नेशनल आबूद किया गया, पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी है अजहर मसूद। आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा। ओसामा बिन लादेन जैसे बेमौत मारा गया था ऐसे ही अजहर मसूद भी एक दिन इसी प्रकार से बेमौत मारा जाएगा। लेकिन सहारनपुर में भी अजहर मसूद का एक दामाद आकर के बोलता है और इसे आपको तय करना है। ये अजहर मसूद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या मोदी जी के एक सेवा सालार के रूप में सहारनपुर के समग्र विकास और सुरक्षा का एक बेजोड़ नायक के रूप में सहारनपुर के अंदर राघव लखन पाल आगे बढ़ेंगे और इसे सबसे निशील है। राघव लखन पाल भारतीय जनता पार्टी के
एक सेनानी के रूप में, मोदी जी एक सेनानी के रूप में सहारनपुर में आपके पास हम लोग भेज रहे हैं। इन्होंने अच्छा काम किया है और इसीलिए पूरा इनको भारतीय जनता पार्टी ने आपके पास भेजा है। हमें मोदी जी को देखना है, चुनाव मोदी जी का होना है, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आवश्यक है कि राघव लखनपाल सहारनपुर में जीत करके अदर मसूद की भाषा बोलने वाले सबको को भागने का कार्य करें। अजहर मसूद का नाम चुनाव में किसी प्रत्याशी से जोड़कर लोग सहज ही अंदाज लगा चुके हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी किस व्यक्ति पर की गई है। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आने वाले दिनों में सहारनपुर में सियासी पारा चढ़ सकता है, जिससे चुनावी समीकरणों में भी बदलाव हो सकते हैं। वहीं सोमवार को सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने सीएम योगी पर पलटवार किया है। इमरान मसूद ने कहा कि सीएम योगी ने जो भी शब्द मेरे लिए कहे हैं, वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत माता उतनी ही मेरी है जितनी सीएम योगी की है। देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। सबसे तेज न्यूज के लिए सहारनपुर ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें।